हेलो गाइस, दिस इज विजय फॉर टेक विजय। आज हम बात करने वाले हैं फिर से नए टेक न्यूज़ के बारे में। सेक्शन है हिंदी न्यूज़, लेट्स बिगिन। तो गाइस, सबसे पहले न्यूज़ निकल के आती है सैमसंग के M41 को लेके, जो कि जापान में लॉन्च हो चुका है। और जापान में जो भी फ़ोन लॉन्च होते हैं वो IP68 के रेटिंग के साथ लॉन्च होते हैं। फ़ोन के अंदर मिलने वाला 4+64 GB का कॉम्बिनेशन, 4 GB की रैम, 64 GB का इंटरनल स्टोरेज। प्रोसेसर हालांकि स्पेसिफाइड नहीं है एग्जैक्टली कौन सा प्रोसेसर इन्होंने यूज़ करा है। और IP68 का रेटिंग है डस्ट प्रूफ एंड वाटर प्रूफिंग के लिए। तो सेम स्पेसिफिकेशंस अगर इंडिया में आ जाते हैं तो आई डोंट थिंक के इस प्राइस रेंज के अंदर, जिस प्राइस रेंज का फ़ोन लॉन्च होगा, आई थिंक 20 से 25 हज़ार, तो कोई फ़ोन इसे ऑफर नहीं करता। तो जल्दी से ऑफरिंग इंडिया के अंदर अगर शुरू हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो कैसे अगली न्यूज़ निकल के आती है, रियलमी के नए सब ब्रांड को लेके नार्जो, एक नई सीरीज़ आती है या फिर सब ब्रांड आता है देखना होगा। आई थिंक सब ब्रांड ही होगा। स्पेसिफिकेशंस 15,000 के नीचे के ये सारे फ़ोन्स होने वाले, तो G80 का प्रोसेसर या फिर कुछ इस तरह से स्पेसिफिकेशंस होंगे रियलमी 6 की तरह। तो देखना ये होगा कि ये फ़ोन कब तक आते हैं। अगर ये अलग सा ब्रांड लेके आता है रियलमी, तो मैं थोड़ा सा बेचैन हो रहा हूँ, क्योंकि ओप्पो, फिर बाद में रियलमी और फिर नार्जो। तो ये क्या चल रहा है? आपको फ़ोन लॉन्च करना है तो ठीक से पहले से फ़ोन लॉन्च कर दो ना, ये इतने सब ब्रांड्स बना के आप क्या कर रहे हैं? तो एग्जैक्टली क्या होता है देखते हैं। अब मैं काफ़ी निगेटिव होते जा रहा हूँ क्योंकि नोकिया ने अभी फ़िलहाल में फ़ोन भी लॉन्च करे, Nokia 1.3, Nokia 5.3, Nokia 8.2। तो 1.3 एक 10,000 के नीचे वाला फ़ोन होने वाला है, जो कि ठीक ठाक है अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और 5.3 जो लॉन्च हुआ है HD+ डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ है। और इस प्राइस रेंज के अंदर आपको रियलमी, वीवो, YMI ये सारे फ़ोन्स फुल HD+ का डिस्प्ले ऑफर करते हैं। तो आई डोंट थिंक ये फ़ोन अच्छा काम कर जाएगा। और Nokia 8.2 765 GB के प्रोसेसर के साथ आने वाला, प्राइस पॉइंट जाने वाला तकरीबन 40,000। मान लिया कि आप प्योर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहे हो, आप बिल्ड क्वालिटी अच्छी दे रहे हो, आप कैमरा भी अच्छा दे रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि प्राइस पॉइंट अगर ज़्यादा होगा तो कंज्यूमर खरीद लेगा। तो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से भी आई डोंट थिंक इंडिया के अंदर सेल हो पाएगा नोकिया। तो आज के लिए बस इतना ही। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और मैं वीडियो आज सैटरडे में शूट कर रहा हूँ और कल लॉकडाउन होने वाला है। अपने को हम सबको मिलकर लॉकडाउन करना है सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक। तो प्लीज़ शामिल हो जाना। आज के लिए बस इतना ही। See you on the next one.